हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो ला रही हूँ। आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पे मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हमारे प्यारे से गनु जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए क्या का क्या क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। एक फैमिली बन रही है धीरे धीरे, एंड आप लोग इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना इस वजह से ये ग्रो कर रहा है ये चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ट्राई कर रही हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। आई नो आप लोग वेट करते हो मेरे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलिए तो हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से करण जी का नाम लेके। थैंक यू सो मच। मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 7 डेज, थैंक यू। ओके, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये रीडिंग आप देखोगे, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, दैट्स ओके, बट जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपके यूट्यूब फीड में जब भी पॉपअप होगा तब आप इसको देख लेना। एवरी टाइम कोई ना कोई मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। पहले टैरो कार्ड से देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे प्रपोजल है, डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है, वो आपको प्रपोज करेगा, अपना फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करेगा। ये फायर साइन के एलिमेंट हो सकते हैं, स्पेशली लियो जोडियक साइन के मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज में आपका जो माइंड है ना, वो बहुत शांत रहने वाला है, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हो रहा है हो रहा है। आप कहीं अपने कंट्री साइड एरिया में घूमने जा सकते हो, ठीक है? मतलब अपने फादर के कंट्री या अपने मदर के कंट्री साइड एरिया में आप घूमने जा सकते हो, ये भी है। आप कोई न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेसेस ट्राई कर सकते हो। ओके, आपका इमोशंस जो है ना वो बहुत बैलेंस मुझे लग रहा है। आपका जो आपका कोई अगर पास्ट में ऐसा कोई फ्रेंड है जिनके साथ आपका बहुत बढ़िया रिश्ता था, लेकिन समहाउ उनके साथ डिटैच हो गए, आप कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो पर्सन आपके पास वापस आते हुए नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, 7 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स के बाद 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको ना यहाँ पे प्रोवोक किया जाएगा, ठीक है? बहुत सारे चीज़ों को लेके प्रोवोक किया जाएगा। आई फील लाइक अगर आप किसी पर्सन के तरफ कॉमिटेड हो, आपके पास बहुत बेटर ऑप्शन आएंगे, ठीक है? कि बहुत बढ़िया नौकरी करता है, बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, वो बहुत पैसा कमाता है, ठीक है? ऐसा पर्सन आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि आप जिनसे प्यार करते हो या जिनसे आप कमिटेड हो उससे आपका मन डोल जाए। स्पेशली यहाँ पे एक एग्ज़ाम चल रहा है आपके लिए, ठीक है? वो यूनिवर्स आपको एग्ज़ाम ले रहा है, आपका एग्ज़ाम ले रहा है कि आप सच में किसी से प्यार करते हो या इस जस्ट जब तक वो साथ था तब तक के लिए, जब वो नहीं है तो आपका मन किसी और की तरफ चला गया, ठीक है? यहाँ पे प्रोवोकेशन है आपके लिए, बच के रहना इससे, ठीक है? रहिएगा डेफिनेटली। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल आप दोनों देख सकते हो अपने हिसाब से। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो आप स्वीकार करें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको दूसरे पर्सन के लिए छोड़ दें, ठीक है? किंग ऑफ वांड्स। ओके, आप अगर किसी के साथ कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ठीक है? एक सिचुएशन देके मैं समझा रही हूँ आपको। सपोज़ आप अपने उम्र के अपने कज़न के साथ बैठ के कोई सिचुएशन डिस्कस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, और वहाँ पे ना कोई छोटा सा बच्चा है, किसी का कोई छोटा सा बच्चा है, एंड यू फील लाइक कि हाँ ये तो बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसके सामने ही सब कुछ डिस्कस करते। वो बच्चा जाके अपने मम्मी पापा को बोलने वाले, ठीक है? अगर उस बच्चे को आप बच्चा समझ के अवॉइड कर दिया तो वो अपना काम कर देगा, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास
इनोसेंट देखने वाले कोई पर्सन तो है लेकिन वो है नहीं, ठीक है? सो बी अवेयर एंड बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड ये भी है कि आप अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, अगर अगर वो मर रहे, ठीक है, मतलब पेड़ पौधा जिंदा नहीं है, वो अगर आप कोशिश कर तो फिर भी वो मर रहे, तो डेफिनेटली आपके घर में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप चेक करवाएं, ठीक है? आपको कहा जा रहा है अगर आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, अगर आप ऐसे बैठते हो आपका जो बैकबोन है ऐसा हो जाता है, तो आपको सीधी रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, बैकबोन स्ट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारे। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आपका कुछ काम है जो बहुत दिनों से चल रहा था तो वो अब ख़त्म होने वाला है, कुछ चैप्टर आपके लाइफ में क्लोज होने वाला है, एंड होने वाला है, ठीक है? अगर रिलेशनशिप से आप बहुत परेशान हो गए थे एंड यू वांट टू गेट मैरिड, तो ये मैरिज वाला सिचुएशन आपके लिए बन रहा है, ठीक है? बहुत दिनों से आपके लाइफ में कुछ चल रहा था, बहुत एक प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे बहुत दिनों से, इन द सेंस एटलीस्ट 5 to 7 years के अगर कोई सिचुएशन है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो, या ऐसा बहुत सिचुएशन है जो कि 5-6 सालों का है, वो साइकिल आपका क्लोज होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे वो साइकिल क्लोज होना, मतलब क्लोज हो रहा है फाइनली। आपको कुछ टाइम के लिए अकेला रखा जाएगा ताकि आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है? कुछ पर्सन होगा जिनको आप बहुत प्यार करते थे लेकिन वो अपना वो वैल्यू नहीं किया, आपने जो भी किया उनके लिए ना, वो वैल्यू नहीं किया, तो आपके मन में इसका थोड़ा सा दुख तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है उनके ऊपर फोकस मत करिए, जो आपका वैल्यू कर रहे उनके ऊपर आप ध्यान दें, ठीक है? और आपको थोड़ा अकेले रहने के लिए कहा जा रहा है, वो आपके फायदे के लिए ही है। ओके, यहाँ पे ट्रिप प्लान हो सकता है नेक्स्ट 7 days में। ऐसा भी है कि आपका वीज़ा लग जाए ना, आप बाहर चले जाओ, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो तो आपका वापस आने का भी सिचुएशन बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे फैमिली रियूनियन भी है एंड न्यू स्टार्टिंग है, न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग है, ठीक है? एंड आप अगर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ये अगर आपका पर्पस है लाइफ का कि मुझे दुनिया देखनी है, तो उसका शुरुआत भी होने वाला है, ठीक है? नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके सामने कुछ एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, आपको उसको उस पड़ाव को पार करना है। आपने इतने दिनों से जो भी चीज़ सीखे हो उसका अब एग्ज़ाम लिया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से अब उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। नेक्स्ट 7 days एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत लकी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मूनोलॉजी कार्ड से देख लेते क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। लेट्स सी, द आंसर यू नीड आर कमिंग। कुछ आंसर आपको, आपके मन में ये क्वेश्चन था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, वो आंसर आपको मिल रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर ने चीट क्यों किया, आपकी गलती कहाँ पे है, क्या नहीं है। ओके, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हो बहुत दिनों से, तो वो आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, ग्रेट। आप पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, मैंने कहा ना कि कुछ साइकिल है आपका, वो क्लोज होने वाला है फाइनली, ठीक है, साइकिल क्लोज चल रहा है यहाँ पे। वाओ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपने जहाँ पे फोकस रखा है, आपने जहाँ पे फोकस रखा है ना, तो वो सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। तो अपना फोकस को बना के रखे, अपने ड्रीम के ऊपर अपना फोकस बना के रखे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पे कुछ डर है आपके मन में, कुछ डर है, कोई डाउट है। आपको कहा जा रहा है डर के साथ जियोगे तो वो जिंदगी थोड़ी है, वो तो मौत है, ठीक है?
सरेंडर टू द डिवाइन. सी आप कुछ चीज़ को ना छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं पा रहे हो. मतलब एवरी टाइम यू थिंक कि ये सिचुएशन के लिए मैं क्या करूँ ताकि ये सिचुएशन ठीक हो जाए. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ रिलीज़ करनी है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है. कुछ चीज़ें ना अपने आप ठीक होता है, हमेशा उसके पीछे एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, सरेंडर करना सीखो. सरेंडर इज़ द मेन थिंग. आप छोड़ना नहीं जानते हो. समटाइम्स यू नीड टू लीव समथिंग. सरेंडर करो आप डिवाइन के ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्या मैसेजेस है आपके लिए. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ओके, आपको कहा जा रहा है आपका जो भी ड्रीम है ना उसका एक प्रैक्टिकल प्लान होना ज़रूरी है कि क्या करे, कहाँ से करे. अगर कोई बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो उसका स्ट्रैटेजी प्लान करे कि किस तरीके का आपको सामान की ज़रूरत है, कौन से वेबसाइट से आप ऑर्डर करोगे. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है. होल्ड ऑन योर विजन, होल्ड योर विजन. ठीक है, आपको कहा जा रहा है जो भी आपका विजन है उसको होल्ड करने के लिए. गिव अप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. ओके, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है. जो लोग रिसेंटली कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो या रिसेंटली कुछ चीज़ स्टार्ट की हो तो आपको कहा जा रहा है अभी भी कोई चीज़, कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है. तो जो चीज़ आप नहीं चाहते हो उसको सोच के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. वर्क थ्रू योर फियर्स. सी मैंने कहा यहाँ पे आपके लिए आया ही है वर्क थ्रू योर फियर्स. जो चीज़ के ऊपर आप डर रहे हो ना, काम करो उस डर के ऊपर, क्योंकि डर के आगे. करेक्ट. ओके, तो ये मेरे हैंड रिटन कुछ मैसेजेस हैं, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं. थैंक यू सो मच. टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कोई अगर कोई चिट निकलता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि ये टाइम हम लोग सेट कर दिए है नेक्स्ट 7 डेज. सो टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई चिट्स आते हैं, कोई कार्ड आते हैं तो हम लोग वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड हियर वी गो. क्रिएट, आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ क्रिएट करने के लिए. अपना लाइफ क्रिएट करो, अपना ड्रीम क्रिएट करो. फोकस, यहाँ पे मुझे स्टडी के ऊपर दिख रहा है. आपको कहा जा रहा है स्टडी के ऊपर फोकस करने के लिए. कुछ चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ आपका अभी का अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है. अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है. विटामिन सी, आपके आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको कहा जा रहा है विटामिन सी इनटेक करने के लिए. मैरिज, मैंने कहा यहाँ पे मैरिज प्रपोजल है. मैरिज डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज है. आपका रिश्ता तय हो सकता है या रिश्ते के लेके कोई बात हो सकता है, किसी के साथ डिस्कशन हो सकता है घर में, शादी को लेके बात होगी डेफिनेटली. ठीक है, ओके. इन 1 मंथ हम लोग नहीं लेने वाले हैं ये चीज़. ग्रेट. न्यू पीपल, आप लोगों के लाइफ में न्यू पीपल, सॉरी न्यू पीपल नहीं, ओ माई गॉड, न्यू पीपल क्यों मुझे मिला, मेरे मुंह से निकला. ओके, तो इसका मतलब आपके लाइफ में न्यू पीपल भी आ रहे. ओके, इसका मतलब आप लोगों के लाइफ में न्यू पीपल भी आ रहे. न्यू प्लेसेस तो है ही, न्यू पीपल भी आ रहे. ओ माई गॉड, आई लव इट. न्यू प्लेस भी है, कहीं पे आप घूमने जा रहे हो एंड न्यू पीपल भी है. शायद न्यू प्लेस पे जाके आप लोगों के लाइफ में न्यू पीपल्स आने वाले हैं. ठीक है, ग्रेट. वाटर, ओके, आपको कहा जा रहा है कि पानी ज़्यादा पीने के लिए, अगर वाटर मेडिटेशन अगर आप करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. आई फील लाइक वाटर साइन के भी हो आप. ठीक है, वाटर साइन के हो एंड डेफिनेटली वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जोडियक साइन के पीपल आप लोग देख रहे हो. आई नो सब जोडियक साइन के, लेकिन स्पेशली यहाँ पे वाटर आया है तो वाटर साइन पीपल के लिए स्पेशली कुछ मैसेजेस डेफिनेटली है. एंड आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें एंड पानी ज़्यादा पिए. ठीक है, आपके आपके बॉडी से पानी का जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो रहा है. गोल्ड, ओह माय गॉड, यहाँ पे फायर एलिमेंट के लिए भी आया है. आपको कहा जा रहा है अगर गोल्ड के ज्वेलरी अगर आप पहन के रखते हो, स्पेशली एज ए
मतलब चेन वगैरह या रिंग वगैरह, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बॉडी स्पा आपको कहा जा रहा है, बॉडी स्पा के लिए। हाँ, रेस्ट की ज़रूरत है, या आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। डांस, ओके, डेफिनेटली अगर आप डांस करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। या आपके आपके लाइफ में डांस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डांस सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करो डांस क्लासेस, अगर आप डांस सिखाते हो तो वहाँ पे आपके लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। डांस आया है, एंड ये भी है, डांस विद द डिवाइन, ठीक है। सिचुएशन गो विद द फ्लो, ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट मत करो, सब कुछ सही हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो ये नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए मैसेजेस था। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा हो। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हो। मैं डेफिनेटली बनाऊंगी उस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।